बैकवर्ड विरोधी है उनसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए हमें। सब लोगों को मालूम है कि जनता दल यूनाइटेड समाज के उपेक्षित वर्गों का हित चाहने वाली पार्टी है और उसके लिए निरंतर माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार में रहते हुए अति पिछड़ों के लिए कितना कुछ किया है। अभी ग्राम पंचायत का चुनाव चल रहा है, सब लोगों को मालूम है जब उनका शासन था तो एक पंचायत का सदस्य नहीं बन सकता था जिसको मुख्यमंत्री जी ने अधिकार देकर जिला परिषद का अध्यक्ष बनाकर कलेक्टर के सामने कुर्सी पर बैठाने का काम किया है। तो हर तरह से पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए जितना कुछ हमारी सरकार कर रही है और पार्टी भी उसी से उन्हीं सिद्धांतों को लेकर चल रही है तो उनके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। सर, जाति जनगणना को लेकर आप लोगों ने आंदोलन चलाया था, बड़ा कैंपेन चलाया था, लेकिन कल जिस तरह से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने साफ तौर पर मना कर दिया है कि नहीं, जाति जनगणना नहीं हो सकती है, जातियों की संख्या काफी ज्यादा हो गई। महाराष्ट्र वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जवाब आया, महाराष्ट्र वाले मामले में जो, हाँ निश्चित रूप से महाराष्ट्र वाले मामले में जो सुप्रीम कोर्ट में जवाब है चिंता का विषय है, लेकिन देश भर में जनरल सेंसस के साथ जात की गिनती कराने का जो डिमांड है हमारे मुख्यमंत्री जी ने सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के साथ जाकर दिया है प्रधानमंत्री जी को, उस पर अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। निश्चित रूप से हम मानते हैं कि जो भी महाराष्ट्र के संदर्भ में केंद्र सरकार ने कहा है वह चिंता का विषय जरूर है, लेकिन हम अभी भी उम्मीद है हमारी कि पॉजिटिव डिसीजन होगा, क्योंकि अगर पॉजिटिव डिसीजन इस मामला में नहीं होता है तो दुर्भाग्यपूर्ण होगा। लगातार कांग्रेस भी कह रही है कि अगर केंद्र की सरकार नहीं कराती है तो बिहार की सरकार अपने अपने खर्च पे कराए। देखिए, हमने बार बार कहा है चाहे बिहार की सरकार हो या देश में किसी और राज्य की सरकार, राज्य की सरकार अगर खुद से कराती है इस काम को तो उतना लाभ नहीं हो पाएगा जितना लाभ देश के स्तर पे जात की गणना से होगा। तो राज्य की सरकार अगर कराएगी भी तो उसका बहुत अर्थ नहीं होगा। जरूरत इस बात की है कि जनरल सेंसस के साथ देश भर में जात की गिनती हो। अब भारत सरकार भी ओबीसी के लिए, सोसाइटी के दूसरे सेक्टर के लिए जो उपेक्षित वर्ग के लोग हैं, योजना बनाती है, भारत सरकार भी रिजर्वेशन देती है। अब कोई स्टेट गवर्नमेंट गिनती करा भी ले तो भारत सरकार में शेयर कैसे मिल पाएगा, वहां इन आंकड़ों का क्या लाभ हो पाएगा। तो मुकम्मल तौर पे जब तक देश के स्तर पे जात की गिनती नहीं होगी तब तक लाभ जितना मिलना चाहिए नहीं मिलेगा और नुकसान तो रोज हो रहा है। इस नुकसान को रोकने के लिए जरूरी है कि इस बार जात की गिनती होना ही चाहिए। सर, आप बिहार विधानमंडल में जब दो बार इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित, बिहार में बीजेपी फिर डबल स्टैंड ले रही है। देखिए, अभी हम उतनी दूरी तक नहीं सोच रहे, अभी तो हम पॉजिटिव है और हम उम्मीद करते हैं कि केंद्र की सरकार पॉजिटिव रिस्पांस करेगी और कहीं अगर कोई गलतफहमी है तो उस गलतफहमी को दूर कर लेना चाहिए जो लोग भी हैं उनको, और डिसीजन देश के स्तर पर लेना चाहिए। मिलकर बैठकर बात होना चाहिए इस मुद्दे पर सभी को। नहीं, अगर जरूरत है समझे केंद्र की सरकार या भारतीय जनता पार्टी अलग से तो निश्चित रूप से बैठकर अगर बात करना चाहे तो बात पार्टी भी कर सकती है, सरकार भी कर सकती है, लेकिन इस पर डिसीजन तो पॉजिटिव होना ही चाहिए। नहीं होगा तो इसका नुकसान देश को हो रहा है और आगे भी होगा। मुकेश सहनी का सर बयान है, उन्होंने कहा है कि अगर केंद्र सरकार जाति जनगणना नहीं कराती है तो बिहार सरकार कराए और 4 करोड़ पार्टी की तरफ से मुकेश सहनी देंगे। ये सब तो कहने की बात होती है, 4 करोड़ देंगे या 10 करोड़ देंगे, बहुत सारा काम है गरीबों के लिए, तो अगर किन्हीं को देना है तो दे ना, उसमें कहाँ कोई रोक है। ये काम नहीं है, सरकार के सामने तो बहुत सारा काम है, तो उसमें अगर कोई देना चाहे, गवर्नमेंट को डोनेट करना चाहे तो वो करे, उसमें कोई रोक तो है नहीं। दौरा अंतिम चरण से पहले का चरण है जिसमें अभी हम आज निकलने वाले हैं। इसमें नालंदा है और फिर आज से शुरुआत है और फिर आगे पटना है, फिर किशनगंज है, अररिया है और अंत में जाकर लखीसराय और मुंगेर में समापन होगा। तो पूरे बिहार का कार्यक्रम पहले हो चुका है, जो शेष जिले बचे हुए हैं उसका कार्यक्रम इसी रूप में तय है।
जो अंतिम चरण का कार्यक्रम का अंतिम जिला है लखीसराय और मुंगेर, आप गौर कीजिएगा कि दोनों जिला राष्ट्रीय अध्यक्ष का लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, तो वहां जो समापन की यात्रा होगी उस कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी उपस्थिति होगी, समापन उस रूप में वहां होना है। ABP News आपको रखे आगे।